बस में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं रामेश्वरम टू कन्याकुमारी। तो आ गए हैं सनराइज पॉइंट पे और इधर बैठ गए हम सनराइज देखने के लिए। सनराइज के टाइम पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है वहाँ पे इसका ऐसा प्यारा सा व्यू के साथ रहोगे आराम से मस्त नजारों के साथ दर्शन करते हैं कन्याकुमारी अम्मन टेम्पल में हो गए दर्शन श्री कन्याकुमारी देवी के। तो फाइनली आ गए हम लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। इतना पत्थर रॉक इतना बड़ा सा समुन्दर से घिरा हुआ विवेकानंद जी का स्टैचू। त्रिवेणी संगम का दर्शन करते हैं। इधर होता है त्रिवेणी संगम। तो प्यारा सा सनसेट होने वाला है देख सकते हैं। तो गाइस इस बस में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं रामेश्वरम टू कन्याकुमारी। तो देख सकते हैं बस कैसी है, एसी है, इसका टाइमिंग है कुछ रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक आने तक। सो गाइज रूम टूर दे देता हूँ कन्याकुमारी होटल का, होटल मादिनी। और देख सकते हैं बेड ऐसा कुछ बड़ा सा और यहाँ पे है टीवी, वार्डरोब और बड़ा सा मिरर और मेन चीज बाहर की गैलरी। एक्चुअली गैलरी में अभी अंधेरा है, ये देखिए गैलरी इसकी। और यहाँ से भाई साहब सी व्यू ये सुबह देखने मिलेगा आपको, अभी तो फुल अंधेरा है लेकिन कमाल का। सो गाइस सनराइज पॉइंट के लिए जा रहे कन्याकुमारी फेमस सनराइज पॉइंट के लिए। और 6:05 हो गया, 5 मिनट में सनराइज होने वाला है। और फटाफट निकल रहे सनराइज पॉइंट के लिए, गली गली में से आ गए हैं कन्याकुमारी भी। तो देख सकते हैं यहाँ से होने वाला है सनराइज। तो आ गए हैं सनराइज पॉइंट पे, देख सकते हैं क्या प्यारा ही लोकेशन है। और उस साइड देखेंगे तो भाई साहब टेंपल भी अंदर है और स्टैचू भी बन रहा है। और इस साइड होने वाला है सनराइज। इधर बैठ गए हम सनराइज देखने के लिए कमाल के नज़ारे के साथ सुबह सुबह कन्याकुमारी में सनराइज पॉइंट के यहाँ पे। क्लाउडी बहुत है इसकी वजह से सनराइज हो नहीं रहा है, यहाँ पे दिखने वाला नहीं है। तो कुछ ऐसा नज़ारे हैं अभी सनराइज के टाइम पे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है वहाँ पे इसका ऐसा प्यारा सा। और देख सकते हैं यहाँ पे टेंपल और ये बीच में भी है टेंपल। क्या बात है यार, स्टैचू भी मस्त लग रहा है। तो चलिए अभी फ्रेश होते हैं, फिर मंदिर जाते दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये है होटल अपना, होटल मादिनी। और फ्रंट से कुछ ऐसा व्यू है और सी व्यू रूम से इसमें। तो चलिए आपको एक चीज दिखाता हूँ एकदम मजे वाली। हो भाई जैसे इसको ओपन करेंगे गैलरी से सी व्यू, तो कुछ ऐसा व्यू है। और यहाँ से व्यू देखेंगे अपना तो फुल सी व्यू है गैलरी से, कमाल का लगता है, काफी सही है यार। और क्या ही चाहिए आपको, सी व्यू के साथ रहोगे आराम से मस्त नजारों के साथ और बेड पे भी लेटे रहोगे ना तो वहां सी व्यू दिखता है वहां से। और आज आए हैं हम लोग कन्याकुमारी और एक्सप्लोर करते हैं कन्याकुमारी। फिलहाल अभी जाते हैं मंदिर का दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। और क्या नज़ारे यार कन्याकुमारी, अगर आप आ रहे हो मदुराई और रामेश्वरम तो कन्याकुमारी जरूर आए। और हम लोग बस पकड़ के आ गए, गवर्नमेंट बस, एसी बस थी, 340 रुपीज़ का टिकट था बस, अच्छा था। जाते हैं दर्शन करते हैं कन्याकुमारी अम्मन टेम्पल में और लेते हैं आशीर्वाद कन्याकुमारी देवी का। तो हो गए दर्शन श्री कन्याकुमारी देवी के बहुत अच्छी तरीके से। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए नहीं निकाल पाए वीडियो ये सब, लेकिन काफी अच्छे से दर्शन हुआ। और कुछ ऐसा है यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर। और बारिश थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है, तो अभी जाते हैं दूसरी जगह फिर दिखाते हैं आपको। पानी देख सकते कितना क्लीन ही है। ओ हो
पहले कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। और इधर से ही अंदर जाने मिलेगा, यह है विवेकानंद मेमोरियल और लाइन लगी है विवेकानंद मेमोरियल पॉइंट के लिए। तो 50 रुपीज है नॉर्मल लाइन का और 200 का स्पेशल एंट्री, वहाँ पे लाइन नहीं रहता ज्यादा। तो ये है पुंपुर शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ से बोटिंग जाएगा विवेकानंद मेमोरियल के लिए। टाइमिंग देख सकते हैं इसका 7:45 AM से 4 PM तक रहता है। सो गाइस फेरी चार्जेस है 50 रुपीज आने जाने का। तो टिकट ले लिया है, 2 टिकट पर पर्सन 50 रुपीज। भाई साहब कितनी लाइन है आज, आज वीकेंड है इसके वजह से इतने लोग आ गए। इतने कम लाइन में ही 1.5-2 घंटे चले गए। तो गाइस बहुत लाइन लगती है 50 रुपए वाले में, देख सकते हैं। तो हो सके तो 200 वाला ले लेना, फटाफट हो जाएगा स्पेशली वीकेंड में, वीकडे में चलेगा। सो फाइनली आ गए हैं बोट के यहाँ पे और जाएंगे अभी। फाइनली आ गए हम लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, देख सकते हैं अंदर 50 रुपीज़ ऐसा था और यहाँ पे दर्शन करने के 30 रुपीज़, टोटल 80 रुपीज़। और पीछे ही है अपने दर्शन करने के लिए विवेकानंद जी के, और ऐसा है कुछ नज़ारा दिखाता हूँ आपको। पूरा पत्थर रॉक, इतना बड़ा सा समुंदर से घिरा हुआ विवेकानंद जी का स्टैचू, यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए है। और यहाँ पर भी देखिए कितना प्यारा ही लग रहा है। फाइनली वी आर इन कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और काफ़ी अच्छा लग रहा है आके यहाँ पे। कब से था आने का कन्याकुमारी में, फाइनली आ गए कन्याकुमारी में और मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा लाइन ज़्यादा था, तो ट्राई करना अगर लाइन ज़्यादा है तो 200 रुपये वाला स्पेशल एंट्री वाला टिकट ले लेना, उससे जल्दी हो जाएगा, नहीं तो 1-1.5 घंटे चले जाते। तो अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बाहर से ही ले लेते विवेकानंद मंडपम का। तो देख सकते हैं स्टैचू है यहाँ पे बीच में समुंदर के, अभी तो फिलहाल बंद है शायद से, काम चालू है इसके लिए, और लेकिन काफी अच्छा हो जाएगा जब चालू हो जाएगा। तो अभी जाते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं। तो हो गए पार्वती माता देवी के चरणों का दर्शन, अंदर पार्वती माता देवी के चरण हैं, अब वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। और कुछ ऐसा टेंपल है और वहाँ पे देख सकते हैं विवेकानंद जी है। वापस हम लोग यहाँ से विवेकानंद रॉक मेमोरियल से, तो बोट आ गई अपने वापस जाने के लिए। तो जाते हैं कन्याकुमारी बीच के यहाँ पे, और देख सकते हैं सब यहाँ से लाइन से लेके जा रहे हैं सब, और वहाँ पे से तो मेमोरियल से अलविदा लेते हैं। अच्छा था यहाँ पे विजिट करना है कन्याकुमारी को। लाइफ जैकेट वैकेट पहन के रेडी निकलने के लिए वापस बोट से, कमाल के नज़ारों के साथ जाते हैं वापस कन्याकुमारी की ओर। और देख सकते हैं नज़ारे कुछ ऐसे। तो गाइस आ गए अभी हम लोग त्रिवेणी संगम पे, और शाम के बज रहे 5:30-5:15 होने वाले हैं।
तो आपको त्रिवेणी संगम दिखाते हैं, इसके बाद एक कन्याकुमारी का लास्ट है हम लोग का। यहाँ से हम लोग निकल रहे चेन्नई की ओर, तो त्रिवेणी संगम दिखा के निकलते हैं। ऐसे नजारे के साथ त्रिवेणी संगम हो रहा है, यहाँ पे वो जो झंडा लहरा रहा है वहाँ पे बोलते हैं त्रिवेणी संगम है। तो आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो जो ये लोग बोल रहे हैं त्रिवेणी संगम यहाँ पे होता है, और कुछ ऐसे नज़ारे के साथ। सो गाइस यहाँ से त्रिवेणी संगम का दर्शन करते हैं। इधर होता है त्रिवेणी संगम, देख सकते हैं प्यारी सी कन्याकुमारी लोकेशन पे त्रिवेणी संगम। तो प्यारा सा सनसेट होने वाला है, देख सकते हैं क्या प्यारा लग रहा है। और पूरी तरह दिखेगा नहीं ऐसे क्योंकि वहाँ पे क्लाउड है। और अभी नज़ारे देखिए, समुंदर के साथ सनसेट हो रहा है यार। फाइनली निकल रहे हम लोग कन्याकुमारी से, हो गया हमारे यहाँ पे कन्याकुमारी से दर्शन, ये सब जगह थे। और यहाँ पे कन्याकुमारी के टेम्पल के दर्शन किए, फिर बाद में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे जाके दर्शन किए और वहाँ पे सबको एक्सप्लोर किया और आपको दिखाया। सो चलते हैं अभी, बस पकड़ते हैं अपनी बस यहाँ से चेन्नई के लिए। तो इतना ही था इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।